हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो और इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार बात करने वाला हूं मैं हाउ टू मेक करियर एज अ फ्री मतलब फ्री बनना बहुत लोगों का सपना है बहुत लोग बन चुके हैं और मैं भी एक फ्री लैंसर हूँ फ्री का मतलब होता है कि भी आप अपने घर पर बैठ या जहाँ मर्जी बैठ अपना काम करना चाहते हैं और उससे आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा मैं अपनी बातें नहीं करता हूँ मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है उसके बारे में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन है फ्रीलांसर uh, का आपके पास फ्लैक्सीबिलिटी होती है काम करने की कब करना है कितना करना है ये सब आप डिसाइड करते हैं अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं कम है तो कम दे सकते हैं फ्रीडम है आपके पास आज़ादी है आपके पास आप अपना काम खुद से चूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड पैशन आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर आप अपना काम चूज़ करते हैं वो स्किल के ऊपर आप अपना काम जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है पैशन भी है आप वो करते हो जो आपको पसंद है यू डू वॉट यू लाइक जबरदस्ती कोई थोप नहीं रहा आपके ऊपर आपने चुना है यू हैव चोजन द वर्क राइट लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन काफी नहीं है बहुत से लोगों को लगता है कि भाई लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो हम फ्री बन सकते हैं बन सकते हैं बट इसके साथ भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक देखिए आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए और काम आपको ढूंढना है प्राइसेज आपको सेट करने हैं और भी बहुत कुछ है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मेरा नाम है सुनील चौधरी मैं हूँ एक डिजिटल कोच करियर बिल्डिंग स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम शुरू करते हैं नंबर वन से आपको अगर एज अ फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट करना है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किल और स्किल्स कि मुझे किस स्किल पर काम करना है मैं क्या स्किल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो सी होता है वो भी फ्रीलांसर होता है वो अपनी अकाउंट्स की जीएसटी की और भी ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को जितना बड़ा क्लाइंट का काम है उतने वो सी चार्ज करता है आर्किटेक्ट भी एज अ फ्रीलांसर होता है डॉक्टर भी एज अ फ्रीलांसर होता है ऐसे ही हमें आइडिया नहीं था कि हम भी फ्रीलांसर हो सकते हैं आप अगर वेबसाइट्स बना सकते हैं तो आप फ्रीलांसर हो सकते हैं आप कोडिंग करते हैं आप ऐप्स डेवलप करते हैं आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं आप किसी की पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हैं जैसे कि को एक्सेल आता है ई राइटिंग आती है कम्युनिकेशन्स आते हैं आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर हो सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है डिजिटल असिस्टेंट हो सकते हैं आप किसी के सो देयर आर सो मैनी थिंग्स आप जिनकी एज हाँ। अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं आप वीडियोस बना सकते हैं कार्टून वीडियोस बना सकते हैं डूडल वीडियोस बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप रील्स बना सकते हैं लोग पे करने के लिए तैयार बैठे हैं और मार्केट में अभी भी मतलब टैलेंट की हद से ज़्यादा कमी है मतलब आप कहें कि भाई रील बनाने में क्या करियर है तो आप अगर सुंदर सी और अच्छी सी अच्छी सी रील्स बना सकते हैं तो आप रील्स में आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं वीडियोस अगर आप एडिट कर सकते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट बहुत पैसा आप कमा सकते हैं आपको अपनी मेन स्किल के ऊपर फोकस करना है ऐसे नहीं कि सब कुछ मैं सीख लूँ वो सब कुछ कर लूँ सब कुछ नहीं होता है दुनिया में ये गलती मैंने की है तो मैं खुद से बता सकता हूँ आपको एक काम के ऊपर फोकस करना है और उसकी सपोर्ट में जो स्किल्स आपको चाहिए वो सपोर्टिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी है राइट जैसे कि आप मान के चलिए कि आपको वीडियोस ही बनानी है किसी के लिए राइट कार्टून वीडियोस बनाते हैं आप कार्टून वीडियोस में अच्छा पेमेंट मिलता है बिलीव मी अगर आप एक बहुत अच्छी कार्टून वीडियो बनाते हैं एक मिनट की तो पांच डॉलर तक मिल जाते हैं यू से यूएस से यूनाइटेड स्टेट से या बाहर के देशों से अपने यहाँ भी अगर आप बहुत अच्छी कार्टून वीडियो बनाते हैं एक मिनट की तो आराम से आपको आ, दस हज़ार रुपये तक आप आराम से चार्ज कर सकते हैं बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इतनी अच्छी इनकम है अगर आप पूरे महीने में दस वीडियोज़ बना दें तो एक लाख रुपये के आप आदमी हैं अब उसको सपोर्टिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए यू शुड नो कि आपको कहाँ पर अपना जो स्किल्स है वो मैंशन करनी है यानी आपको और ईमेल राइटिंग एक्सेल में वर्क मैनेज करना है वो सपोर्टिंग स्किल्स होती हैं तो सपोर्टिंग स्किल्स होना ज़रूरी है मान के चलिए आपको वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है बट आपको कीवर्ड चलाना नहीं आता तो वो सपोर्टिंग स्किल है इंटरनेट को यूज़ करना भी सपोर्टिंग स्किल है ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्किल्स होती हैं राइट कीप योर पैशन एट प्रायोरिटी जब भी कोई काम चूज़ करें आप एज आ फ्री बनने के लिए तो आपको ये देखना है कि मेरे को किस काम में मज़ा आता है अगर आप मुझसे पूछें कि भाई सुनील आपको किस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो जो काम मैं इस समय कर रहा हूँ मुझे उस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको पढ़ाने में आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने में आपको आगे बढ़ाने में इसमें मेरा सबसे ज़्यादा पैशन है और यही मैं कर रहा हूँ राइट वर्क दैट अलाइंस विद योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट ऐसा काम जो आपकी ताकतों से मेल खाता हो और जहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा रखता हो ऐसा काम करना चाहिए यह पहला पॉइंट था आपको अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या काम करने वाले हो नंबर टू आपने अगर डिफाइन कर लिया कि मुझे काम क्या, क्या करना है काम मिलेगा कैसे आपको तो अपनी डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस बनानी है बिल्ड बिल्ड करनी है कैसे करनी है ओ भाई तो बहुत ज्यादा है बट अगर आपको करना है घर बैठे आजादी चाहिए तो करना पड़ेगा पहला पॉइंट क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल कहाँ बनेगी लिंकड पर बनेगी मेन फेसबुक पेज है फेसबुक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम है कोरा रेडिट, इट पिंट्रस्ट कुल मिलाकर बात यह है कि आप पूरी दुनिया को बता दो कि मैं ये काम करता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि आपका उसमें दिल लगता है आप पैशनेट हो उस चीज को लेकर राइट right? और आपको कैसे सोशल मीडिया का मास्टर बनना है उसके लिए हमारा एक छोटा सा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर बिल्डिंग स्कूल डॉट कॉम पर दूसरा पॉइंट है आपको अपनी जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रेजेंस बनानी है उसके लिए आप एक वेबसाइट जरूर बनाइए यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी एक वेबसाइट आप आराम से बना सकते हो हज़ार रुपये में ओके हज़ार रुपये खर्च होंगे आपके और आपकी वेबसाइट सॉलिड तैयार हो जाएगी फ्री के लिए बहुत सारे पर्पज़ होते हैं उनकी कीमत अलग अलग हो सकती है बट फ्री के लिए आपकी वेबसाइट हज़ार रुपये से लेकर तैयार हो जाएगी और दो तीन हजार मेंसेंट तो हो जाएगी मतलब आपकी आपको फैंसी फीचर कोई पसंद आ गया तो दो तीन हजार में तो वैसे भी तैयार हो जाएगी अभी वेबसाइट आपने बना दी तो अब क्या करना है इसके ऊपर रेगुलरली लिखना है ब्लॉग अपने बारे में लिखना है कि आप क्या करते हो और अपने काम के बारे में लिखना है और जो आप काम कर चुके हो उसके बारे में लिखना है और आप क्या प्रोमिस कर रहे हो सामने वाले को ये भी लिखना है कुल मिलाकर आप को अपने ब्लॉग पर यह बताना है कि ये मैं सुनील हूँ मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ मैं आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकता हूँ मैंने बहुत से लोगों की मदद की है उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कुल मिलाकर पूरी कहानी यू हैव टू पुट देयर इन अ प्रोफेशनल मैनर ये मैं ये ये, ये करता हूँ उस वेबसाइट का एस कीजिए क्योंकि ए नहीं करेंगे और आपने वेबसाइट पर सब कुछ डाल दिया वेबसाइट कहीं दिखेगी नहीं एस कैसे करना है उसके लिए भी हमारा एक छोटा सा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं राइट उसके बाद आपको ऐसे टॉपिक्स चुनने अपने ब्लॉग पर जो वर्क ओरिएंटेड हो जो मैं बता चुका हूँ पहले अपने बारे में लिखें मैं क्या क्या करता हूँ उसके बारे में लिखें मैंने आज तक क्या क्या किया उसके बारे में लिखें मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में लिखें राइट और फिर अपने प्राइसिस के बारे में लिखें थोड़ा अपने काम से रिलेटेड कोई और टॉपिक मिलता है उसके बारे में भी लिखें रेगुलर लिखते रहें टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे इसके बारे में आप कम्युनिटी में हमारी में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पूरा जवाब मिलेगा उसके बाद आपको वो टैक्स ढूंढनी है जहाँ से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए राइट प्रॉपर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर आप अपना ब्लॉग लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने ही वाला है और ये सब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी छोटा सा कोर्स है राइट मैंने कई बार बोल दिया एक छोटा सा कोर्स है वेरी गुड क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता और जबकि मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा जो फोकस है यहां पर ये यह बताना है कि आप अपना एज ए फ्रीलाइंस करियर कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है वो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं और उसके बाद भी कोर्सेज वाकई बहुत छोटे छोटे हैं वहां से आप इजीली कर सकते हैं आखिरी पॉइंट है जो मेरा फेवरेट पॉइंट है ये तो करना ही है ये तो बेस था प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है वेबसाइट बनानी है बट हार्न द पावर ऑफ वीडियो देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी वीडियोज बनाइए आप जो हो उसके बारे में वीडियो जो आपने ब्लॉग्स लिखे हैं सबके बारे में वीडियो बना दो मैं क्या हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मैंने क्या क्या किया है क्या रिजल्ट मैं दे सकता हूँ मैं क्या प्रोमिसज कर रहा हूँ राइट right? मैं क्या चार्जेस लेता हूँ सब चीज़ें चार्जेस आप फ्रेंड मत बताइए बट आप एक लिंक दे सकते हो बुक कैन अपॉइंटमेंट बुथ में शॉर्ट्स बनाइए रील्स बनाइए और फिर उन वीडियोज़ और शॉर्ट्स को जहाँ जहाँ पॉसिबल हो शेयर कर दीजिए हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए हर जगह उसको शेयर आप करेंगे राइट जितना दिखेगा उतना बिकेगा हमारी कंपनी जस्ट बाजार की पंचलाइन है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है नंबर तीन पे आते हैं अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है फ्रीलांसिंग का तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी बिल्ड रिलेशनशिप ये बहुत मुश्किल काम है भाई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये करना पड़ता था फ्रीलांसिंग में भी ये तो हर जगह करना पड़ेगा आपको अगर ग्रो होना है तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है ऐसे लोगों से अपनी जान पहचान बनाइए उनके साथ बैठा उठी कीजिए डिजिटल दुनिया में बैठा उठी कीजिए मिलने मत जाइए पेट्रोल खर्च करके किराया खर्च करके बट उनके साथ बैठा उठी रखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप्स में हर जगह नेटवर्क इज़ द की जितने ज़्यादा लोगों से आपकी जान पहचान होगी ऐसे नहीं जिनको कोई मतलब नहीं है आपके काम से उनसे आप जान पहचान कर रहे हो नेटवर्किंग कर रहे हो तो वो तो यूज़लेस है जो आपके काम के बंदे हो सकते हैं उनसे नेटवर्किंग कीजिए तो वहाँ से आपको काम मिलने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है द बिगर इज योर नेटवर्क द बिगर योर सक्सेस जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी ही बड़ी आप सफलता आपको मिलने वाली है अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज बहुत सारे वेबिनार सेमिनार ऑनलाइन इवेंट्स होते रहते हैं हर फील्ड में उनमें आप जरूर अटेंड हों इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारी कम्युनिटी में आना पड़ेगा बट ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फॉर्म्स एंड डिस्कशन ग्रुप्स लिंकड के ऊपर डिस्कशंस होते हैं रेडिट के ऊपर होते हैं कोरा के ऊपर होते हैं डिस्कशंस और फ्री आंसर डॉट भी होते हैं सब जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो जब एक काम के पीछे पड़ गए पड़ जाओ उस काम के पीछे इतना ज़्यादा उस काम के पीछे पागल हो जाओ कि वो काम भी कहे कि भाई क्या है इसको तो करना ही करना है किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि दुनिया उसको आपसे मिलाने में लग जाए तो इतना बढ़िया तरीके से उस काम को करो ऐड वैल्यू अगर काम मिल जाए कुछ मिल जाए तो वैल्यू ऐड करो जैसे तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फुल वैल्यू मिल जाए इतनी सी चीज़ बताने के लिए लोग नाइन्टी नाइन रुपीज़ चार्ज करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ मिनिमम नाइन्टी नाइन रुपीज चार्ज करते हैं चार सौ निन्यानवे भी ले लेते हैं नौ सौ निन्यानवे भी ले लेते ले हैं ले 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 ले। आप जब इतना सारा काम करोगे तो आपको काम ऑटोमेटिकली मिलेगा दोस्त और इस चीज में अगर आपको रेगुलरली आपको पोस्ट चाहिए नॉलेज चाहिए कम्युनिटी चाहिए तो करियर बिल्डिंग स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर फोर नंबर फोर पर आपको अपनी उफ, सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी जब तक आप अपनी सर्विसेज ऑफर ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या सर्विस देते हो जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एक छोटा सा कोर्स है ज्वाइन कीजिए करियर बिल्डिंग स्कूल को ज्वाइन कीजिए मुझे पता है ना कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा आपकी जेब में पैसा जाएगा आपकी लाइफ में वैल्यू एड होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस है मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि मेरी जिम्मे पैसे जाए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो तो आपका फोकस भी ये होना चाहिए कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करो अपने आप को रजिस्टर करो फ्रीलांसर पर अपवर्क पर लिंकड इन पर और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह रजिस्टर कर दो अपने आप को अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन जहां जहां मज़बूत बना सकते हो मज़बूत बना दो उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बिडिंग करो जो आपके इंटरेस्ट के हैं जो भी आपने फील्ड चूज की है रिल्सिंग की वहाँ पर जाके कर बिडिंग करो बिडिंग करो मतलब बोली लगाओ कि भाई मैं इस काम को इतने रुपये में कर सकता हूँ मेरे को सुबह सुबह एक ऑफर आया था कि आपको हिंदी स्पीच देनी है मतलब हिंदी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और हम आपको साढ़े सात सौ डॉलर दे सकते हैं साढ़े सात सौ से हजार डॉलर का ऑफर था मैंने बोला मैं आपका काम पाँच सौ डॉलर में कर दूंगा तीन मिनट की हिंदी स्पीच रिकॉर्ड करनी है और पाँच सौ डॉलर मिल रहे हैं आठ पंच चालीस हजार रुपये मिल रहे हैं क्या बुरे हैं दोस्त राइट तो मैंने किया वो काम मैंने बिडिंग लगाई पाँच सौ डॉलर की उन्होंने कहा साढ़े सात सौ से हज़ार डॉलर के बीच में हम देंगे मैंने कहा हम पाँच सौ में करेंगे इसको बोलते हैं बोली लगाना ये देसी हिसाब से आप समझ रहे हो सेट योर रेट्स अपने प्राइसेस सेट कीजिए कि मैं वेबसाइट इतने में बनाऊंगा मैं एक्सेल का, का काम इतने में करूँगा मैं कोडिंग इतने में करूँगा ऐप डेवलप इतने में करूँगा आपका प्लेटफॉर्म डेवलप इतने में करूँगा आपके वीडियोज इतने में बनाऊँगा अपनी क्वालिटी को समझिए अपने एक्सपीरियंस को समझिए अपने कमिटमेंट को समझिए तब अपने प्राइसेस सेट कीजिए हर प्राइस मार्केट में मिलता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको दो सौ में ही नहीं मिलेंगे आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको पच्चीस हज़ार भी मिलेंगे उसी काम के आपको ढाई लाख रुपये भी मिलेंगे उसी काम के तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और क्वालिटी मेंटेन कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप कितना देना चाहते हो उसी हिसाब से चार्जेज अपने सेट कीजिए नंबर सिक्स जब आप फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं तो आपको आज़ादी होती है नेटफ्लिक्स चालू हो जाता है प्राइम चालू हो जाता है दोस्त का फ़ोन आ जाता है घर में कोई फंक्शन हो जाता है तो आपके पास फुल आज़ादी होती है कई बार आप भूल सकते हैं कि भाई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कोई क्लाइंट हमें पैसे देने वाला है मेरा जो फ्रीलांसिंग करियर है वो कहीं बैंड ना बच जाए तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली आपके पास आज़ादी है सब कुछ है बट आपको टाइम मैनेजमेंट टूल्स इस्तेमाल करने हैं और अपने आप को कैलेंडर को देखते रहना है जो मैं कर रहा हूँ गूगल कैलेंडर को चेक करो अपने सिस्टम छोड़ रहे हो घर छोड़ रहे हो पहले गूगल कैलेंडर चेक करो आज का कोई इवेंट तो नहीं है और अपने काम को आपके तो पास तो कोई बड़ा काम है बड़ा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोड़ छोटे गूगल कैलेंडर में सेट करो जो भी काम करना है गूगल कैलेंडर के हिसाब से करो जो भी अपॉइंटमेंट लेना है कैलेंडली के हिसाब से लो पॉइंट्स लिखने हैं गूगल कीप में लिखो कस्टमर के साथ क्या बातचीत हुई क्या बातचीत हुई क्या हमने कमिटमेंट किया और पूरी हिस्ट्री जो मैनेज करनी है हव स्पॉट सी में कीजिए फ्री में राइट right, फ्री ये जितने भी टूल्स हैं आपने फ्री हैं काम को मैनेज करना है और गूगल शीट्स के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं तो ये जो टूल्स हैं ये बिल्कुल आप मैंने इन्हें यूज की दिए ये तो लाइफ लाइन है हमारी स्टे ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव अपने काम के ऊपर फोकस रखें ऑर्गेनाइज रहें और प्रोडक्टिव रहें काम करेंगे सब कुछ मिलेगा लाइफ में स्टे अप टू डेट विथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स नंबर सात है कि भाई आपकी फील्ड में नया क्या हो रहा है नई डेवलपमेंट क्या हो रही है को ध्यान में रखना है उससे जानकारी में लेना है उसके नोट्स बनाने हैं एक मैंने फोल्डर अपने लिए बनाया हुआ है अपने कंप्यूटर में जिसका नाम है लर्निंग तो मैं रेगुलरली कुछ नया सीखता रहता हूँ अपनी फील्ड में अपनी फील्ड से रिलेटेड फील्ड में और वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ कि ये ये चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ रखना ही चाहिए और कुछ ऐसे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स में अटेंड करता रहता हूँ जो मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं जैसे कि मैं अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करूं कई बार वो लोग कुछ नई चीज़ें बता देते हैं ऐसा नहीं ईगो में आगे कि हमें सब कुछ आता है हम किसी का इवेंट ही अटेंड नहीं करेंगे हम कहीं रजिस्टर ही नहीं करेंगे वो मुझसे बड़ा नहीं है छोटा नहीं है ये सब फालतू बता नहीं आप अपनी कंपटीटर के साथ भी टच में रहिए कंपटीटर वैसे कोई नहीं है आप कम्पटर कंपटीटर के साथ टच में रहिए आप अपनी लाइन में ऐसे दस महारथी ढूंढिए जो तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो और उनके टच में रहिए उनको फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पर उनकी वेबसाइट्स को उनके ब्लॉग्स को सब फ्री है कोई रोक नहीं रहा आप उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो आप उनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो टोटली फ्री totally तो नॉलेज को बढ़ाते रहना इट्स वेरी वेरी फ्री ट्रेनिंग सेशन्स को अटेंड कीजिए कोर्सेज अगर पेड़ लेने की ज़रूरत पड़े और आपकी लाइफ चेंज हो रही है कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल करियर बिल्डिंग स्कूल और कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग इन योर करियर जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में ग्रोथ होगी नंबर एट मेक द राइट इन्वेस्टमेंट कोर्स लेना है टूल्स लेने हैं अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कार्टून वीडियो बनाते हैं और आपको कोई कार्टून वीडियो बनाने का सॉफ्टवेयर मिल रहा है दस हजार का पांच हजार का और उससे आप हर महीने एक लाख रुपए कमाने वाले हैं तो पांच हजार का इन्वेस्टमेंट करने में क्या हो रही है अगर आप वीडियो एडिटर हैं एक वीडियो एडिटिंग करने का आपको पच्चीस हजार रुपए मिलते हैं या दस वीडियो एडिट करने के आपको पचास हजार मिल रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बाईस हजार रुपए का एक बार में आ रहा है तीन चार साल पाँच साल काम करेगा तो क्या ही है हर महीने आपकी दुकान खोलेगी अगर आप दुकान खोल के बैठेंगे मार्केट में तो लाखों रुपये लगाएंगे तब भी रिस्क है यहाँ कोई रिस्क नहीं है यहाँ आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है और काम ज़्यादा पैसे मिली तो कम पैसे में ले लो आ जाएगा राइट सही टूल में पैसा खर्च कीजिए सही कोर्स में सही कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको धंधा करना है तो ये खर्चा एक बार सोच समझ के कीजिए और क्या खर्चा करना है कैसे करना है ये सारी चीज़ें अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करनी है पर्सनली तो उसके लिए आप डायमंड मेंबरशिप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए आँख बंद करके बहुत फ़ायदे की चीज़ है मैं अपने फायदे के लिए नहीं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ ओके तो पर्सनली सब कुछ आपको मेरे साथ डिस्कशन करने को मिलेगा मैं पाँच पर्सनल सेशन्स आपको डायमंड मेंबरशिप में फ्री देता हूँ और डायमंड मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए है उसमें हम लाइव भी आते हैं चार बार हफ्ते में पाँच सेशन्स मैं आपको अपने साथ पर्सनली देने वाला हूँ उसमें यू कैन कीप दिस वीडियो एज अ प्रूफ कंक्लूजन बहुत पैसा है आपके पास एज ए फ्रीलांसर कोई लिमिट नहीं है कोई लिमिट नहीं है लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए इतने बजे काम करना है तो करना है इतने घंटे काम करना है तो करना है मतलब नाम फ्रीलांसर है बट काम तो करना पड़ेगा ना अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो अगर कम पैसा कमाना है तो कम काम लीजिए बट जैसे ही आप कम काम लेंगे तो आप आजाद पंछी हो जाएंगे और हो सकता है कि वो कम काम भी आप ना कर पाए काम को बढ़ाइए सक्सेसफुल करियर है पैसा इसमें बढ़ता जाता है अपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाते जा जा जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप रजिस्टर करते चले जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस जो है मल्टीप्लाई होती चली जाती है और बहुत सारे लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं क्वालिटी मेंटेन कीजिए कमिटमेंट मेंटेन कीजिए आपको रेफरल्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं तो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी है क्वालिटी के ऊपर फोकस रखिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स अपने क्लाइंट्स के साथ मेंटेन कीजिए कोई रुकने वाला पॉइंट नहीं है जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे आप राइट तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी बहुत ही मन से मैंने तैयार करी थी और अब आपको ये वीडियो अगर ऑसम लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना चाहिए अच्छी लगी है तो अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल मत करना और फ्री कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जिसमें मैंने और भी बातें की हैं आपके साथ और ये वीडियो भी उस फ्री कोर्स का पार्ट बनने वाली है थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नमस्कार जय हिंद जय भारत